हरियाणा में दूसरे चरण के पंचायत चुनाव में जिला परिषद चुनाव के नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। सिरसा की बात की जाए तो जिला परिषद के चुनाव के नामांकन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन आज लघु सचिवालय में प्रत्याशियों की काफी भीड़ देखने को मिली। बड़ी संख्या में प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए लघु सचिवालय पहुँचे। प्रत्याशियों के साथ अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता भी लघु सचिवालय पहुँचे, जहाँ सभी दलों के नेताओं ने अपने प्रत्याशी की जीत का दम भरा। सिरसा जिला के जिला परिषद चुनाव के लिए भाजपा इनेलो सिंबल पर चुनाव लड़ रही है। जसपा और कांग्रेस बिना सिंबल के चुनावी मैदान में हैं। इस बार चुनाव में काफी दिलचस्पी देखने को मिल रही है। नामांकन पत्र दाखिल करवाने आए भाजपा के जिला अध्यक्ष आदित्य देवीलाल ने कहा कि पार्टी की तरफ से कैंडिडेट की इच्छा के अनुसार चुनाव में सिंबल पर चुनाव लड़ा जा रहा है। जो प्रत्याशी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने का इच्छुक है, वो सिंबल पर चुनाव लड़ रहा है, बाकी भाजपा समर्थित प्रत्याशी हैं। देखिए, हर पार्टी अपना दावा करती है, पर ना तो NLD के पास पूरे कैंडिडेट्स हैं, ना कांग्रेस के पास हैं, ना हमारे सहयोगी दल जो हैं JJP उनके पास कैंडिडेट्स नहीं है। किसी भी दल के पास भारतीय जनता पार्टी के सिवाय मजबूत आधार वाले कैंडिडेट कहीं नहीं है। और अब नौजवान है जो गांव के अंदर, उसके अंदर ये इच्छा जगी है कि वो डेवलपमेंट के साथ जाए। बहुत से गांवों में सर्वसम्मति बन रही है, ये एक बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि जब पंचायत चुनाव में सर्वसम्मति आती है, निश्चित तौर पर जागरूकता के कारण, पढ़े लिखे होने के कारण, और उन लोगों में ये जज्बा है कि हम गांव में कुछ करें। जिन गांव में सर्वसम्मति हुई है, मैं तमाम उन गाँव के सदस्यों का आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आपने जिन व्यक्तियों पर सर्वसम्मति की है, वो बहुत ही अच्छे लोग हैं जिन्होंने आपने जिनों को चूज़ किया है। और इसी तरीके से ज़िला परिषद का और पंचायत समिति का भी, अगर ऐसा हो सर्वसम्मति का, तो ये भी बहुत हमारे लिए एक अच्छी। वहीं अपने कांग्रेस से समर्थित उम्मीदवार का नामांकन पत्र दाखिल करवाने आए पूर्व विधायक भरत सिंह बेनीवाल का कहना है कि कांग्रेस सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रही है। उन्होंने कहा है कि आने वाला समय कांग्रेस का है, कांग्रेसी समर्थित प्रत्याशियों की जीत होगी। आने वाली कांग्रेस है, कांग्रेस के कैंडिडेट जीतेंगे। ये तो कहीं खड़े हो रहे, कहीं दो जगह खड़े ही नहीं हो रहे, कई जगह BJP का दो दो तीन दिन खड़े हो रहे, कैसे जीतेंगे? कांग्रेस के सही तरीके से खड़े हो रहे, कांग्रेस की सरकार आने वाली है, ये जाने वाले हम आने वाले हैं। तो छिपते सूरज को कोई पानी नहीं डालता, उगते को डालते हैं। में किस तरह का काम बढ़िया है, कांग्रेस के पक्ष में है लोग, BJP छुटकारा पाना चाहते हैं। क्यों? BJP ने कोई काम तो किया नहीं 8 साल में। कोई नीम पत्ते रखे तो वह बता दो, कहीं विकास करे तो वह बता दो, नौकरी लगाए तो वह बता दो, नौकरी तबादला करे तो वह बता दो, कोई दूर बैठे लोहे बैठे वो लोहे बैठे, कोई काम तो करते नहीं, किसी का एक नहीं करता, किसान का, मजदूर का, दुकानदार का, व्यापारी का, किसी का नहीं कर रहे। फिलहाल ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि जनता का साथ किसको मिलेगा और कौन चुनावी मैदान में अपनी जीत हासिल करेगा। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।